तो भाई हमारी जो है फ़िश आ गई है, ये फिंगर फिश है, पता नहीं कौन सी फिश है, हमने तो ऑर्डर दिया, आ गई है। चटनी भी आ गई है, मसाला भी आ गया, चपाती भी आ गई है। तो बस फटाफट जो है खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं कटिंग करवाने, और शर्जील को मैंने फ़ोन किया था, वो मेरा वेट कर रहा है नीचे। तो हम चलते हैं नीचे, शर्जील को लेते हैं और चलते हैं कटिंग करवाने। जहाँ से हम कटिंग करवाते थे वो दुकान यहाँ से शिफ्ट हो गई है मेन रोड पर, मतलब हमारे एरिया में जो मेन रोड पर दुकान थी, हमारे रोड पर दुकान थी, वो अब यहाँ से शिफ्ट हो गई है मेन रोड पर। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कैसी दुकान बनवाई है उन्होंने, क्या किया है, क्या हिसाब किताब है, कितने की कटिंग होती है, क्या हिसाब जो भी है वो देखते हैं। बाल बहुत बड़े हो गए थे और खत भी जो है काफ़ी, मतलब ब्लेड भी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो हम इसको भी जो है सेट करवाते हैं और चलते हैं हेयर ड्रेसर की दुकान पर। शर्जील को भी फ़ोन करके मैंने बोल दिया था, आजा भाई चलते हैं साथ। तो शर्जील भी आ गया, सामने खड़ा हुआ है, ये रहा शर्जील। काफ़ी टाइम के बाद मतलब हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कोशिश करेंगे कि हम रोज़ व्लॉग डालते रहें, कुछ ना कुछ जो है वो डालते रहें, क्योंकि बहुत नागा हो गया, तकरीबन एक एक हफ्ते बाद ब्लॉग जो है हमारा डल रहा है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो शर्जील भाई क्या कहते हो, ऐसे काम चलेगा? नहीं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, डालना पड़ेगा व्लॉग, डालना पड़ेगा व्लॉग। तो भाई लाजमी सी बात है, मेहनत करना पड़ेगी चाहे कुछ भी हो। तो बस अभी हम चलते हैं कटिंग करवाते हैं और दुकान दिखाता हूँ आपको कैसी बनवाई है। तो चलाओ चले। तो भाई हम आ गए नाई की दुकान पर और लाइट गई हुई है, अंधेरा हो रहा है, तो बस अभी अंदर चलते हैं और फटाफट कटिंग करवाते हैं। दोस्त यार भी बैठे हैं, उनसे भी मिलते हैं। कटिंग शटिंग करवा कर हम आ गए हैं, वहाँ पर लाइट आ रही थी, जा रही, आ रही जा रही थी, लाइट आई, हमारी कटिंग हो गई थी, लाइट चले गए, फिर मोबाइल की टॉर्च से जो है खत बनवाई, तो मतलब खत वगैरह भी बन गई है, कटिंग शटिंग भी हो गई है। बस अभी जो है सर्दी भी हल्की हल्की हो रही है, और पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, पानी भी गर्म शर्म हो गया होगा, गैस ना गई हो, अगर गैस गई हुई तो फिर ठंडा पानी होगा, तो फिर देखते हैं क्या सेटिंग बनती है। तो बस अभी ऊपर जाते हैं, नहा धो के फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर नीचे आते हैं। शर्जील भाई भी यार बोर हो गया वहाँ बैठे बैठे, काफ़ी टाइम हमें लग गया, तकरीबन एक डेढ़ घंटा लग गया ना, एक से डेढ़ घंटा लग गया हमें वहाँ बैठे बैठे। खैर हमारा काम लड़के ने फटाफट कर दिया, कटिंग भी हो गई, खत भी बन गई है। बस अभी ऊपर चलते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े जो है चेंज करते हैं, और सर्दी है तो हुडी छोड़ी भी कोई निकालते हैं, अंदर से पहनते हैं। और शर्जील भाई ये खड़े हैं हमारे फुल फुल 109 खड़े हैं, रेडी शेडी होके। वो बैच जो है वो मेरे अंदर सो गया, नहीं तो उसको भी बुला लेते, बाहर चलते हैं खाने पीने चलते हैं, कुछ देखते हैं। तो अभी पहला मिशन है ऊपर जाना, ऊपर जाके जो है नहा धो के फ्रेश होके कपड़े चेंज करके फिर आप जाते हैं। वालेकुम सलाम। तो भाई चलो, नहा धोकर हम फ्रेश होकर आ गए हैं गली में, और कपड़े भी चेंज करनी, हुडी मैंने नहीं पहनी क्योंकि कपड़े जो हैं वो थोड़े गर्म मैंने निकाल के पहने थे। अभी शर्जील को आवाज़ देते हैं और फिर चलते हैं कुछ खाने पीने। शर्जील, अभी शर्जील आता है तो हम चलते हैं कुछ खाने पीने, या देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। अभी वेट कर रहे हैं, शर्जील का आवाज़ लगा दिया मैंने, कॉल करूँगा तो फिर वीडियो जो है वो रोकना पड़ जाएगी, मतलब व्लॉग जो है वो रोकना पड़ेगा। तो अभी तक तो शर्जील आया नहीं है, जैसे ही आता है तो देखते हैं क्या सीन है। शर्जील आ जाओ, आवाज़ आ गई। हाँ अभी शर्जील आता है, फिर देखते हैं। उबैद पता नहीं उठा है नहीं उठा, अगर उठ गया होगा तो उबैद को भी साथ ले लेंगे। तो भाई ये सीन है, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। आज गाड़ी का मुंह उस तरफ है, वरना गाड़ी का मुंह इस तरफ होता है, आज उस तरफ है, तो ये सीन है। और ये हमारी बाइक खड़ी हुई है माशाल्लाह से, इसकी हालत देख के तो बस ये भी बोलती होगी किसके हाथ में आ गई हूँ मैं, खर्चा ही नहीं करता। अच्छा देखिए, इधर भी कोई भी बंदा नहीं है, सही है, और यहाँ भी कोई भी बंदा नहीं है, रोड पर बंदे बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए गली में हमारी कोई भी बंदा नहीं है, ना इस तरफ ना उस तरफ। तो हालात कराची के ऐसे, एहतियात करना पड़ती है, तो इसलिए मैं बैठ गया था वहाँ जाके। अब ये शर्जील आए तो बात बताएं। शर्जील को घर वालों ने काम दे दिया, नीचे उतरते ही क्या काम दिया भाई, एक बढ़िया। और दही और पुदीना वदीना नहीं मंगवाया? नहीं, बस यही मंगवाया, यही होता है सबसे छोटे का, घर में सबसे छोटे होने का ये नतीजा होता है कि घर का सामान वामान वही लेकर आता है। तो अभी शर्जील के घर वालों ने शर्जील को बोल दिया 1 किलो दूध,
और डबल एक जो है ब्रेड डबल रोटी। तो अभी हम लेने जाएंगे, वो उबैद भी आ रहे ना नीचे नहाने, नहाने गए इस टाइम। अच्छा हम भी तो नहा कर आए, वो अभी सोकर उठा है और हम कटिंग करवा कर आए। जमा कराओ ना वैसे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अभी आए हो, जमा कराओ, नहीं जमा कराओ, चमक चमक गया भाई। गरीब बनने 400 रुपये दिए उसके हाथ में और खत भी बन गई, बाल भी कटे। भाई मांग तो 450 रुपये रहा था, लेकिन किस बात के 450 रुपये, जो जायज पैसे हैं वो लो हमसे। क्यों भाई, तो हमने 400 दिए थी उसको और कटिंग हमारी हो गई डन। अभी एक महीने तक तो हम फ्रेश हैं इससे, मतलब कटिंग और खत एक महीने तक हमें नहीं करवानी पड़ेगी। तो चलो ना फिर डबल रोटी और दूध लेने चलें। मर्सिडीज की चाबी हमारी। भाई भाई लैंड क्रूजर है भाई हमारी, डाला है दे रहा हूँ इसको चाबी। अब जो इसको चाबी, यार मैं शायद चाबी खोए हुए, चाबी नहीं लाया। चाबी ऊपर से मंगवाते हैं घर से, चाबी मैं ऊपर ही भूल कर आ गया और ऊपर मैं जा नहीं सकता क्योंकि जैनब जाग रही है। और मैं ऊपर गया तो जैनब ने बोला पापा किधर, मुझे भी लेके जाए। और सर्दी है, वो गर्म कपड़े नहीं पहन रही, सॉक्स वगैरह भी नहीं पहन रही, तो उसको हम नहीं लेके जा सकते इतनी रात में। तो अभी ऊपर से चाबी मंगवाते हैं भाई। एक किलो दूध और डबल रोटी लेने हम निकल गए हैं बाहर, मतलब इलाके में ही है, पूरे एरिया के अंदर ही। हमने दिल भाई जो है बाइक ड्राइव करना है, मतलब बाइक चलाना है। आपको दिखाता हूँ हमारा एरिया का। ये कौन था तीसरे में दूँ, भाई हम आ गए हैं मेहरान बेकरी कमर्शियल पे। शर्जील भाई खड़े हैं डबल रोटी ले रहे हैं। कितने की है ये? हाँ बड़ी तो यही है। डबल रोटी वगैरह बन वगैरह चीज़ें लगी हैं। शर्जील ले रहा है सामान, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लगी हुई है, केक वगैरह सब कुछ यहाँ मिलता है। बेकर्स अंदर जो बनती हैं चीज़ें। तो भाई 120 रुपये की आई है ब्रेड, जो मैंने आपको भी दिखाई है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी क्वांटिटी भी ज़्यादा है और चीज़ भी अच्छी है। तो बस ऐसे डबल रोटी ले ली है, अभी हम यहाँ से चलते हैं। अभी लेना है इसे दूध, दूध लेते हैं और फिर चलते हैं गली में, देखते हैं। पीआई भी जाने का मूड हो रहा है, फिश खाने का मूड है, लेकिन घर में बना है कौरमा। अभी मैसेज आया है कि भाई खाना बन गया, खाने में आ जाए चिकन का कौरमा। तो यार मेरा मूड हो रहा है फिश खाने का, पीआईबी, लेकिन घर में बना है कौरमा। अभी फ़ोन मैसेज आया है कि भाई कौरमा रेडी बना हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ चलते हैं, थोड़ी सी खाते हैं और थोड़ी सी पार्सल करवाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। पहले दूध वूध देते हैं घर पे, क्या सीन है? चलो फिर यही करते हैं। घर वालों को बता दिया कि भाई बाहर खाना खा लिया है, तो वो फिर आज जो है ना सही करके डांट पड़ेगी, क्योंकि रोज़ का मेरा यही है, बर्गर चिप्स वगैरह बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दूध लेते हैं, घर जाते हैं, फिर देखते हैं, फिर पीआई भी जाते हैं, वहाँ जाके फिश खाते हैं और थोड़ी पार्सल करवाते हैं घर के लिए, और फिर घर पे आके प्रॉपर खाना खाएंगे। ये सही है, ये सही है ना, ये सही है। हम बोलते हैं सामने बना हुआ है अंडा वाला, टाइम भी लेते हैं लेना, ये सामने सामने से दूध लेना है, तो बस दूध वगैरह लेते हैं। तो भाई दूध और डबल रोटी हम लेकर आ गए हैं, दूध ये डबल रोटी जो है शकील के हाथ में है, तो बस अभी ऊपर देता है और देखते हैं। उबैद साहब जो है वो नहाने गए हैं, अभी तक नहा ही रहे हैं, पता नहीं कौन सा नहा रहे हैं। मोकर भी आ गया, सामान वामान भी लेकर आ रहे हैं, तो अभी उबैद आता है तो फिर चलते हैं। ये इसके बाहर का कुंडा तो लगा रहे हैं, तो अभी उबैद आता है तो फिर उबैद के साथ ही चलते हैं। ये उनकी मेरे कुंडा लगाना है ऐसे, को पूरा लगा दूँ कुंडा, बस कुंडा लगा दिया। तो भाई कुंडी लगानी थी, उन्होंने अंदर से बोला कि बाहर कुंडी लगा दो, तो हमने कुंडी भी लगा दी। बस अभी उबैद आता है तो फिर चलते हैं, मछली खाने का दिल कर रहा है। पीआईपी जाके देखते हैं, वहाँ सूप भी बड़ा वीआईपी मिलता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मछली ही खा लें। अब्बू की भी तबीयत सेट नहीं है, तो अब्बू के लिए भी लेकर आएंगे मछली, घर वालों के लिए भी लेकर आएंगे। तो बस अभी शर्जील आता है तो फटाफट चलते हैं, बड़ी टाइट वाली भूख लग रही है। हालाँकि मैंने फ्राइज खाई है थोड़ी देर पहले शर्जील के साथ, अब अभी हम चलते हैं फिश खाने, शर्जील आ जाए। घर वालों की फरमाइश पे हम आ गए शील माल लेने, हाँ होंगे तो मैं खुले 10 रुपये दूँ 100। भाई घर वालों की फरमाइश पे हम लेने आए थे शील माल हमने ले लिया, अल्लाह वाले पे हमें नहीं मिला था, तो हम कादरी से आके लेकर आ गए शील माल
बार ये रहा, अभी इसको घर पे देते हैं और फिर निकलते हैं। डिले पे डिले हो जा रहे हैं, फटाफट चलते हैं घर पे, ये देते हैं और फिर निकलते हैं हम PIP के लिए। अब हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं PIP के लिए फिश खाने। शर्जिल भी साथ खड़ा हुआ है, उबैद भी आ गया। उबैद तो ऐसा लग रहा है मर ही जा रहा है, वो हमारी बिल्ली ठंड इलाके में, और हमारी बिल्ली वहाँ खड़ी हुई जिसके ऊपर एक बाइक चढ़ गई थी दो दफा। और मतलब दो दफ़ा बाइक चढ़ी, जब से उसने आने छोड़ दिया शर्जिल के पास तो आती नहीं है बिल्कुल भी, कहती जाओ भाई अपना काम कर। तो ये उबैद भाई कहाँ मरी वरी जा रहे हो क्या? सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, ना कर आयो ना? ये सर्दी आपका हैदराबाद से ज़्यादा है? नहीं नहीं हैदराबाद से ज़्यादा नहीं है, हैदराबाद से कम है। तो भाई सीन ये है कि सर्दी जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सर्दी यहाँ पर आ गई है, सर्दी लगने लग गई है। मैंने भी मोटी शर्ट पहनी हुई है, हुडी मैंने नींद निकाली है ऊपर ही पड़ी हुई है, तो हुडी शूडी पहनने का भी मूड नहीं है। बस अभी चलते हैं, काफ़ी देर हो रही है, 12 बज रहे, तो चलते हैं PIP और वहाँ देखते हैं वहाँ की क्या सीन है। तो चलो A few moments later. हम आ गए हैं PIP, फिश का ऑर्डर हमने दे दिया है, आधा किलो हमने मंगवाई है, 3 बंदे हमें, तो कम पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे, देखते हैं क्या हिसाब है। तो अभी ऑर्डर दे दिया, जैसी आती है आपको दिखाते हैं क्या हिसाब है, कैसी बनी हुई है और क्या मसाले हैं, मतलब देखते हैं, खाएंगे तो आपको बताएंगे कैसी बनी है। अभी वेट कर रहे हैं आने का, आती है तो खाते हैं फटाफट, क्योंकि भूख लग रही है टाइड वाली। कुछ देर पहले ही हमने फ्राइज़ खाई थी, लेकिन फिर भी जो है ना भूख लग रही है, तो बस आती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। तो भाई हमारी जो है फ़िश आ गई है, ये फिंगर फिश है, पत्नी कौन सी फ़िश है, हमने तो ऑर्डर दिया, आ गई है, चटनी भी आ गई है, मसाला भी आ गया, चपाती भी आ गई है। तो बस फटाफट बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खाते हैं आपसे। तो भाई हम ये हमने ये समेट दिए पूरी, फोड़ दी हमने चिप्स फिश मछली हम खा चुके हैं, मेरे मुंह से बार बार जो है वो चिप्स निकल रहा है, क्योंकि चिप्स ही खाते रहते हैं। फोड़म पाड़ी इन्होंने बिल्कुल कम करी है, उबैद भाई ने भी कम करी है, बहुत कम खाया तुम लोगों ने। भाई मैंने तो जो है ना फुल माशाल्लाह से पेट भर के और मर के खाया, जिसको कहते हैं ना कि दिल चाह रहा है कि अभी यहाँ से घर पैदल जाऊँ, बाइक पे बैठने का दिल ही नहीं कर रहा, इतना पेट फुल हुआ है। घर के लिए जो लेनी थी वो भी आ गई है, ये जो है घर के लिए हमने करवाई है पार्सल, इसने नींबू पता नहीं कितने डाले हैं, दो ही डाले ना, दो डाले ना, इसका अपना वाला पता नहीं इसने अंदर डाला ही नहीं डाला। हमारी प्लेट में एक नींबू बच गया था, तो हमने कहा इसका ईमान ये डालता है चटनी, इसने दो डाली हैं, इससे चटनी एक और डलवाते हैं, इससे चटनी जो है वो एक और डलवाते हैं इसके अंदर, और फिर यहाँ से चलते हैं, पेमेंट देते हैं इनको और निकलते हैं सीधा फिर दिल्ली। चलें चलो भाई, यहाँ से हमने जो है फिश जो ली है वो हमने यहाँ से खाई है, फिश पॉइंट है ये। और ये देखो ये भाई जो है चल रहे, ये इस तरह हमने तो ले लिया और हमने खा पी भी लिया, क्यों भाई? तो भाई अभी हम निकलते हैं यहाँ से, ठंडी ना हो जाए इससे पहले ये, फटाफट पहुँचते हैं घर पर। हम पहुँच गए गली के अंदर और फिश हमने ले ली है, तो वो देते हैं ऊपर, अभी फ़ोन करते हैं घर वाले को और फिश पकड़ाते हैं ताकि वो लोग गरम गरम खा लें। फिर शर्जिल आते हैं, तो फिर इस ब्लॉग को जो है हम इंशाल्लाह यहीं अभी एंड करते हैं, और शर्जिल भी आ गया पीछे, और पूछते हैं कि इनको फिश कैसी लगी। तो बैद भाई कैसी लगी आपको फिश? सही थी ना, वो सही पैसों में थी, हाँ मुनासिब पैसों में और ज़बरदस्त थी, क्या ख्याल है? शर्जिल भाई आपका क्या रिव्यू है इसके हवाले से, फिश के हवाले से? फिश के हवाले से बहुत अच्छा रिव्यू है हमारा, क्या बोलते हैं रिव्यू फिश बहुत VIP थी, मज़ा आया, awesome. मज़ा आया आपको? तो भाई वाकई में फिश बहुत अच्छी थी और मुनासिब पैसों में थी, ये भी नहीं कि बंदा बोले यार बहुत हाई फाई रेट थे और ये हो गया वो गया, बिल्कुल जायज़ पैसे थे, जो चीज़ थी उसके पैसे थे। और मतलब मैंने तो माशाल्लाह से पेट भर के खाना खाया, मैंने तो माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया, एकदम फुल पेट भर गया मेरा। तो बाकी इन लोगों ने भी सही खाया, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाया मैंने। तो क्या कह रहे हैं हमारे आदेश भाई हैं, ये वेला में होते हैं, ये वेला के अंदर होते हैं, और इन्होंने एक दफ़ा कटिंग की थी मेरी, एक दफ़ा कटिंग की थी। तो भाई ये जो है वहाँ पर वेला में होते हैं, तो शर्जिल ने इसको रोक लिया, बोला भाई कहाँ जा रहा है, तो वो तो अपने घर जा रहा था, तो शर्जिल उसको रोक के खड़ा हो गया कि भाई इधर आ, इधर आए, बात सुन रहे।
तो इस व्लॉग को उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग को हम यहाँ करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन कमेंट कर दें। तो फिर चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।